कहते हैं इंसान की सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सच ये भी है कि पहली नजर इंसान की सूरत पर ही पड़ती है, सीरत का तो बाद में पता चलता है। इस दुनिया में अलग अलग तरह के इंसान हैं, कोई सुंदर है तो कोई सुंदर नहीं है, कोई छोटा है कोई मोटा है, कोई पतला है तो कोई लंबा है, जिसे दुनिया अलग अलग नजर से देखती भी है। लेकिन फर्क तब पड़ने लगता है जब आप खुद को भी दुनिया की नजर से देखें। अगर आप खुद को खुद की नजर से देखेंगे तो शायद बेहद खूबसूरत पाएंगे। हम ये सभी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जो देखने में भले ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो तो एक बीमारी से ग्रस्त है। ऐसे में भी लोग उनकी सूरत को लेकर उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ते। लेकिन जैसा कि हमने कहा, पहले हमें खुद से प्यार करना जरूरी है, तभी शायद दुनिया हमसे प्यार कर पाएगी। राइटर और ब्लॉगर मेलिसा ब्लैक ने भी यही किया, खुद से प्यार, और पिछले एक साल से रोजाना अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। इस बात का एहसास उन्हें ट्रोलर्स नहीं कराया, ट्रोलर्स ने मेलिसा को बदसूरत कहा। अगस्त महीने में उन्होंने CNN पर ट्रंप के विरोध में एक आर्टिकल लिखा था। एक छोटी सोच के यूट्यूबर ने एक वीडियो में मेलिसा की तस्वीरें शेयर कर लोगों को उन्हें वेल और ब्लॉबफिश जैसे नामों से पुकारने के लिए उकसाया। एक यूजर ने तो लिख दिया कि मेलिसा के फोटो पोस्ट करने पर बैन लगना चाहिए क्योंकि वो बदसूरत है। लेकिन मेलिसा ने ट्रोलर्स से हार नहीं मानी। ट्रोलर्स को ट्रोल का जवाब देते हुए मेलिसा ने पिछले एक साल में सोशल मीडिया पर रोज एक सेल्फी पोस्ट की है। आज ट्विटर पर उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बहुत से लोग उनके जज्बे की तारीफ करते हैं क्योंकि मेलिसा ने खुद को नहीं बल्कि उन ट्रोलर्स को अपने आगे कमजोर माना। मेलिसा ने बताया, पिछले एक साल में मैं हर तरह का रूटीन फॉलो करती हूँ। सोने से पहले मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ, तस्वीरें स्क्रॉल करती हूँ और सोशल मीडिया पर एक सेल्फी पोस्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये एक प्रथा बन चुकी है जिससे मुझे खुशी और सुकून मिलता है। मेलिसा के इस कदम का उन्हें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। असल में सुंदर तो वही है ना जो खुद को सुंदर माने। दुनिया को देखने की नजर सुंदर होनी चाहिए। आपको बता दें, मेलिसा फ्रीमैन शेल्डन सिंड्रोम नाम की दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हैं। इस वजह से उनके शरीर की बनावट कुछ ऐसी हो गई है और इसी वजह से उनका चेहरा आम इंसानों से भी अलग हो गया है। लेकिन मेलिसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। मेलिसा को फर्क इस बात से पड़ता है कि वो खुद को किस नजर से देखती हैं। आपने मेलिसा की इस कहानी को सुनने के बाद उनसे क्या सीखा, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।